हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी डायरेक्ट स्नान करके ही आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है पटना और पापा जी को थोड़ा डॉक्टर से मिलना है, थोड़ा एक्सरसाइज है, मतलब यही सब। तो जल्दी से तैयार होता हूँ, अभी मैं स्नान करके आया हूँ तो जल्दी से तैयार होता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। आए हमारा छोटकू भाई जी, पंडित जी, और पापा जी देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। वाह वाह वाह, चलिए हम लोग चलते हैं। दादी आ गई क्या? दादी आ गई? नहीं आई है। ए दादी आ गई, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। हाँ एकदम बढ़िया से हो गया, एंट्रेंस दिए। अरे आप आशीर्वाद दीजिए, एंट्रेंस नहीं होगा। हम लोग जाते हैं अभी, हम जल्दी से टी शर्ट पहन के निकलना है पटना। ये टीवी का चला दिया, पटना निकलना, पापा को दिखाने आज चेकअप। बैठ गए बस में, पापा जी पी रहे हैं पानी। बस का मज़ा कुछ और ही है, मज़ा आता है बस में ट्रैवल करने। खोलना पड़ता है महावीर मंदिर में जाने से पहले। नंबर कितना है? 69। पापा ने तो धो लिया, अब हम भी धो लिए। माला और बेलपत्र ये सब के लिए भी कटता है यहाँ पे, पर्ची और प्रसाद पहले कटवाते हैं, पर्ची फिर लेंगे माला, फिर जाएंगे ऊपर। जब भी भीड़ वाले के इलाके में तो मास्क जरूर लगा लें, ऐसे मास्क जरूरी है टेम्पल के लिए, तो और जरूरी है। और यहाँ शनिवार है तो ज़्यादा ही भीड़ होगा, शनिवार को थोड़ा ज़्यादा। जोड़ लेते हैं प्रसाद। इतना लंबा लाइन, बाप रे। शनिवार के दिन तो आज हो गया। हमारा पूजा, अब निकलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, इसलिए ऊपर नहीं गया। ऐसे ऊपर का व्यू बहुत मस्त आता है, लेकिन ऊपर जाने पे अच्छा लगता है। चर्च में यहाँ का प्रसाद बहुत गजब होता है। ये आप चलते हैं जल्दी से, ऑटो पकड़ कर उसका निकलते हैं। पापा जी का चल रहा है एक्सरसाइज। बहुत दिन बाद पापा के साथ रिक्शा, सब लोग पापा जी बहुत दिन बाद। और यहाँ चल रहा है ड्रेनेज, ड्रेन ना बन रहा है, बड़ा बड़ा यहाँ पे पानी का समस्या ज़्यादा है, इसलिए बड़ा बड़ा ड्रेन बन रहा है। तो अभी के लिए सही है, बारिश के बाद बन गया, अगले साल से उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो एक ही साइड से वन वे हो चुका है। चलिए पहले चलते हैं पापा जी का, क्योंकि अपना पेट खराब हो गया, चलते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे कहीं अच्छा चीज़ खाने। इसलिए पापा के साथ हम आए हैं कि आज कुछ अच्छा चीज़ खाएंगे, रिक्शा तो एक बहाना है, हमको तो कुछ खाना है। करते हैं पहले अपना ऑर्डर, आगे हमारा डिश करते हैं फ्राई। तो हम आए थे चंपारण मीट हाउस, बट खा के थोड़ा भी हमको अच्छा नहीं लगा, ना ही मीट ना ही बिरयानी, ना पापा जी को अच्छा लगा।
क्या होगा? अच्छा नहीं ना था पापा को? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नाम पे ही आए थे हम, पहली बार आए हैं बट हमको अच्छा थोड़ा भी नहीं लगा। चलिए जो भी है हाथों लिए, पेट भर गया, अब निकलते हैं घर जल्दी से। और उतने 5:30 बस की वजह से हो गया लेट, तो आए थे बस में और जा रहे हैं ऑटो में, इधर बैठे हुए एकदम बढ़िया से। तो अभी हम पहुँचे हाजीपुर और अभी बज चुके हैं 8, मतलब कि समझिए 4 बजे से इतना पुल जाम था, इतना पुल जाम। तो आ गए हम घर। हाय मॉम। हाय मॉम। सुबह का 8 बजे गए ना हम, सुबह के 8 बजे गए हैं और अभी अभी मतलब 8 से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 8 तो उसी समय हो गया था तभी 8 से। तो अभी हम घर आए हैं और मम्मी का कथा चल रहा है, तो कथा को डिस्टर्ब ना करते हुए इस रूम में आते हैं। यार इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम अभी तक के लाइफ में हम नहीं देखे हैं पटना पे। सुनते थे कि 24 घंटे का जाम लगता है, वो तो हमारा टेम्पू वाला थोड़ा होशियार गिरी किया कि आधा पुल ओवरटेक करके और रॉन्ग साइड से घुसा दिया एकदम अंदर तक, तो हम लोग आ गए, नहीं तो आ भी नहीं पाते। तो अभी 8 बजे से गए, पूरे 12 घंटे बिता के पटना में अभी आए हैं भूखे प्यासे, क्योंकि थका हुआ बहुत हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। तो ब्लॉग हो गया था एंड, लेकिन रात का जो खाना है वो मेरा फेवरेट है, तो मुझसे रहा नहीं गया तो ब्लॉग एंड नहीं हुआ। पहले ही बताया था कि खिचड़ी हॉचपॉच जो है मेरा फेवरेट है, वह आज का है हॉचपॉच और जो ये था वचका वही है, और नैवेद्य जो वहाँ का प्रसाद, इसके बाद खाया जाएगा तो मीठा मीठा।